Very good morning, everyone. Welcome to English grammar classes with Mayank. This video is for standard 5. We are on the revision phase of this class. Dear ones, as you guys are aware that your half yearly examination is going to be conducted from 8th of this December. आज दिसंबर से आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं, ठीक है? And in this time, we are getting examinations by online mode examination that will be your objective type. Examination जो आप कवर होगा कैसे? Objective type examination. You guys have given earlier this type of examination in this session already. इस सेशन में आपने इससे पहले एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे चुका है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे चुके हैं हम लोग, ठीक है? द पैटर्न विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 14, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 14, ठीक है? ये आप लोग ध्यान में रखना होगा. एंड टाइम विल बी नंबर ऑफ 16, टाइम विल बी नंबर ऑफ 16 मिनट, 1 आवर, ठीक है? एक घंटे का समय होगा, उसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे. एंड ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, जो मैंने आपको बताया है, एमसीक्यू, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. वैसे क्वेश्चन जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन एंड टेक, ठीक है? इन दिस क्लास आई विल गिव यू सम एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट मे अपीयर इन योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन. First of all, you have to take consideration that all the questions will be clear. सारे क्वेश्चन जो है आपको सिलेबस के अंदर से रहेंगे, जो मैंने आपको वो सिलेबस दिया है, ठीक है? प्लीज उस सिलेबस को एक बार रिवाइज कीजिए. एंड ऑल द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द सिलेबस. तो सबसे पहले देखते हैं, मान लो एक क्वेश्चन आपको रहता है, फाइंड आउट द पॉजेसिव प्रोनाउन एक सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस में आपको पॉजेसिव प्रोनाउन निकालना है. ऐसे एग्जाम्पल में देखा हूं लोगों को, या दिस बुक इज माय, तो आपके ऑप्शन उसी तरह से इसमें आप कर सकते हैं. एक मैं दे दूंगा ऑप्शन राहुल, बी में होमवर्क, सी में हिमसेल्फ, एंड डी नन. एक ऑप्शन नन भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है. दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर आपको लगता है कि आंसर राहुल है, राहुल में टिक मारिए. अगर इसमें आपको लगता है होमवर्क है, तो टिक मारिए. हिमसेल्फ पर भी टिक मारिए. और आपको लगता है ये दिए हुए ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं है, तो आप नन में टिक मारिए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है. उसी तरीके से इसमें एक ऑप्शन दिस हो सकता है, बुक हो सकता है, प्लीज हो सकता है, माइनस हो सकता है, ठीक है? इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है, उसको ए बी सी डी, ठीक है? This is the pattern for the questions to be asked in this half-yearly examination. The question may be from many lessons of your book. It may be from pronouns, as many examples will be given. Maybe from articles. Maybe from sentence, nouns, gender, नंबर, जो भी नहीं, ये मैंने आपको एक रफ स्केच दिया है,
syllabus may be different from that. We mean to say that some more topics may be added from the syllabus, but the questions will be within the syllabus. So please revise all the topics and exercises I have discussed in this class and get ready for the examination.